नमस्कार दोस्तों, मेरे पास बहुत सी ऐसी शिकायतें आई हैं कि संभोग के समय जो है लिंग खड़ा नहीं होता और उसमें कड़ापन नहीं रहता, ढीला रहता है, यानी शक्ति नहीं रहती और वक्त पर उत्तेजना नहीं होती। तो इस संदर्भ में आज हम आपको एक दवा बताने जा रहे हैं। इस दवा को आप 4-5 दिन 2-2 बूंद करके पी लीजिए लगातार, और उसके बाद इस दवा को सुरक्षित रखिए। फिर अपना 1-2 महीना पर जब आपको ऐसा लगे कि फिर ढीलापन आ रहा है, फिर जो है शक्ति खत्म हो गई है या कड़ा नहीं हो रहा है समय पर, तो फिर उसको 2 बूंद एक बार ले लीजिए। इसका लगातार रेगुलर सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। शुरू में 4-5 दिन एक बार रोज एक डोज ले लीजिए और उसके बाद फिर रख दीजिए सुरक्षित। केवल जब ज़रूरत पड़े, जब आपको लगे कि फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, फिर 1-2 दिन 2-2 बूंद पी लीजिए। तो इस दवा का नाम है स्टिकनिनम फॉस। स्टिकनिनम फॉस, इसकी स्पेलिंग होगी स्ट्राइचिनियम फॉस। तो इस दवा की 200 पोटेंसी आपको लानी है, और मेरी एडवाइस है कि इसको कम से कम 15 ml ला करके रखें और इसका 4-5 दिन 2-2 बूंद पी लें। दवा पे नाम लिखवा के ला के रखें, 4-5 दिन 2-2 बूंद पी लें। मैं समझता हूँ आपकी ये इरेक्शन वाली प्रॉब्लम की, मतलब समय पर खड़ा नहीं होता या कड़ापन नहीं रहता, ढीलापन रहता है, तो ये शिकायत आपकी 4-5 दिन में चली जाएगी और समय पर आपका लिंग उत्तेजित भी हो जाएगा और उसमें शक्ति भी आ जाएगी। वैसे तो मैंने सेक्स के संदर्भ में और भी बहुत से वीडियो बनाए हैं, तो उन दवाइयों का लेना जरूरी है कि वो दवाइयाँ अंदर से शक्ति वर्धक हैं। ताकत, जब ताकत ही नहीं रहेगी तो आपकी मशीन क्या काम करेगी। ये जो दवा बता रहा हूँ ये केवल ही समझ लीजिए तकनीकी खराबी को ठीक करने के लिए है। तो माने कि वक्त पर खड़ा हो जाएगा और कड़ा भी हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें अंदर से ताकत नहीं रहेगी तो वो दबाने में दर्द होगा। तो इस तरीके से आपको वो ताकत वाली दवाइयाँ लेनी आवश्यक है जो मैंने पहले बताई हैं, जैसे कि मैंने बताई है आपको एसिड फॉस सेलेनियम, नहीं सेलेनियम नहीं, एसिड फॉस लाइकोपोडियम क्यू, डामियाना क्यू, न्यूफल्यूटिया क्यू, योहम्बिनम क्यू, अश्वगंधा क्यू, जिनसिंग क्यू, एवेना सटाइवा क्यू। तो इन सब दवाइयों को जो मैंने आपको बताया है, इनमें से जो जो दवाई आपको मिल जाए आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे, 4, 5, 6 दवाइयों 8 दवाइयों को मिक्स करा करके 100 ग्राम का मदर टिंचर, उसको आप पी सकते हैं 25-25 बूंद दिन में 3 बार। मैंने पहले वीडियो में बता रखी हैं दवाइयाँ। और टिटेनियम 3X बताई है संभोग के समय देर तक रोक रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, और BC27 बताई है कि ये आपका सेक्सुअल पावर मेंटेन रखती है, टिशू आपके कंप्लीट रखती है सेक्सुअल। इसकी 5-5 गोली दिन में 3 बार लेने से, जैसे कि आपने रात में सेक्स किया तो जो कुछ आपका खर्च हुआ है दिन भर में 3 बार ले लेने से फिर आपका वो कवर हो जाता है। यानी कि आपके जेब में 100 रुपये थे, आपने 50 खर्च किए, फिर दूसरे दिन दिन भर दवा ले लिए, फिर आपके जेब में 100 रुपये आ गए। इस तरीके से उदाहरण देकर समझा रहा हूँ कि ये आपके टिशू कंप्लीट रखती है। तो इस तरीके से BC27 और टिटेनियम 3X तो लगातार लिया जा सकता है, और मदर टिंचर जो बताया है उसकी 1-2 cc वो लोग पी लें जो सेक्सुअल वीकनेस फील करते हैं। और आज जो दवा बता रहा हूँ स्टिकनिनम फॉस, ये केवल आपके नसों में ताकत पैदा करने के लिए है कि आपका समय पर लिंग खड़ा हो जाए और उसमें कड़ापन आ जाए। तो दोस्तों, इस दवा को आपको 2-2 बूंद 3-4-5 दिन तक लेनी है, उसके बाद इसको सुरक्षित रख दीजिए और आवश्यकता पड़ने पर ही दोबारा इसको लीजिए। ये दवा मैंने प्रयोग की है, चूँकि मैं जान रहा हूँ तो ये दवा मेरे समय पर बहुत अच्छा काम करी थी, और ये उस समय काम करी थी जब ये लिंक काम ही नहीं कर रहा था, तब जो है लिंक खड़ा हो गया था इसी दवा से। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये दवा लिंक खड़ा करने के ही काम आती है और नसों में ताकत पैदा करती है। तो आप इस दवा को ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका समय पर लिंग नहीं खड़ा होता, उसमें कड़ापन नहीं आता, तो इस दवा को जरूर ट्राई करिए। ना 15 ml लाइए, 5 ml ले आइए, 10 से 15 रुपये की मिलेगी, और 15 ml भी लाएंगे तो 20-25 रुपये की मिलेगी। तो आप जितना चाहें उतना लाएं, 4-5 दिन 2-2 बूंद पी के इस दवा को ट्राई कर लीजिए, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।